राधे राधे दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल में। तो माघ मास का महीना है, अध्याय शुरू करते हैं। माघ मास की कहानी अध्याय जरूर सुनने चाहिए। तो सुबह का टाइम है, आज बहुत ठंड है। तो वेद निधि कहने लगे कि हे महर्षि, धर्म को जल्दी ही चाहिए, जल्दी ही कहिए, क्योंकि श्राप की अग्नि बड़ी दुख कारक होती है। लोमस ऋषि जी कहने लगे कि यह सब मेरे साथ नियम पूर्वक माघ स्नान करें, अंत में यह श्राप से छूट जाएंगे। मेरा यह निश्चय है, शुभ तीर्थ में माघ स्नान करने से श्राप का फल नष्ट हो जाता है। सात जन्मों के पाप तथा इस जन्म के पाप माघ में तीर्थ स्नान कर और स्नान करने से नष्ट हो जाते हैं। इस अच्छोद में स्नान करने से अवश्य ही मोक्ष की प्राप्ति होती है। राजसूर्य और अश्वमेध यज्ञ से भी अधिक फल माघ मास स्नान से होता है। अतएव संपूर्ण पापों का सहज में ही नाश करने वाला माघ स्नान क्यों न किया जाए। आज की कथा बहुत छोटी सी थी, तो कथा समाप्त। कल फिर एक और नई कथा के साथ, तब तक के लिए मेरी सभी को राम राम। माघ मास महात्म्य की जय। कृष्ण कन्हैया लाल की जय। विष्णु भगवान की जय। हर हर महादेव।